हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 16 मार्च। तो 16 मार्च के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को उसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @ श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 15 मार्च के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। और कल का आपका टेस्ट था कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीता है केंटो मोमोटा ने। केंटो मोमोटा ने हाल ही में 2019 का ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका बी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो ये है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है ये हाल ही में 15 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, और ये जो दिन है ये हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। और अगर ये दिन 2019 में मनाया गया तो इसका थीम भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका थीम है ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका थीम है ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। और ये दिन पहली बार कब मनाया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दिन फर्स्ट टाइम 15 मार्च 1983 में सेलिब्रेट किया गया था। और ये दिन 15 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 15 मार्च को अमेरिका के उस टाइम जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, उनके द्वारा 15 मार्च 1962 में एक उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए विधेयक पास किया गया था, इसलिए इस दिन को हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। अब आपको मैं उद्देश्य भी बता देती हूँ कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है। तो कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के प्रति जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपको याद रखनी थी। अब मार्च के मंथ में जो इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। उससे पहले एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से बन सकता है वो बता देती हूँ। ये आपको हो गया वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, बट हमारे भारत में जो नेशनल कंज्यूमर डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, हर साल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से बन सकता है। उसके बाद देखिए मार्च के मंथ में जो पहला दिन इम्पोर्टेंट सेलिब्रेट किया गया था वो था शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। उसके बाद तीसरा था 3 मार्च को याद सेलिब्रेट किया गया था विश्व वन्य जीव दिवस, और उसके बाद 7 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था भारत में जन औषधि दिवस। उसके बाद 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। उसके बाद 14 मार्च को मैंने कल करंट अफेयर पढ़ाया था आपका, तो सेलिब्रेट किया गया था विश्व किडनी दिवस। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए आज का कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को प्राइवेट सेक्टर का बैंक घोषित किया है। तो उस बैंक का नाम है आईडीबीआई। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट सेक्टर का बैंक घोषित कर दिया है। इससे पहले जो आईडीबीआई बैंक था ये पब्लिक सेक्टर का बैंक था, गवर्नमेंट के अंडर आता था, अब इसे प्राइवेट सेक्टर के अंडर कर दिया गया। और अब जो हमारे सरकार के अधिकार के अंदर जितने बैंक आते हैं यानी कि जो सरकारी बैंक है पब्लिक सेक्टर के बैंक वो टोटल हो गए हैं 20। यहाँ पर दो चीजें डिस्कस करेंगे, आरबीआई के बारे में और आईडीबीआई के बारे में। देखिए सबसे पहले आईडीबीआई, इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई इसका जो हेडक्वार्टर वो मुंबई में है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो आईडीबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1964 में। और इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन उनका नाम है हेमंत भार्गव, और जो एमडी और सीईओ उनका नाम है राकेश शर्मा। और IDBI की जो टैगलाइन है वो है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, ये इसकी टैगलाइन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बता चुकी हूँ आपको। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। उसके जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर है। इनसे पहले 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल, और जो सबसे पहले गवर्नर थे आरबीआई के उनका नाम था ऑस्बोर्न स्मिथ। अगला क्वेश्चन है AF इंडेक्स 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो AF इंडेक्स 2019 का आयोजन पुणे में किया जाएगा। और ये जो AF इंडेक्स 2019 है ये किन किन देशों के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो हमारी भारतीय सेना के बीच में और जो अफ्रीका
कॉन्टिनेंट है उसके 16 देशों के बीच में से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कब से कब तक उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो 18 मार्च से लेकर 27 मार्च तक इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये 16 देशों में कौन कौन से देश आते हैं अफ्रीका के, ये बताती हूँ मैं आपको। पहला है मिस्र, दूसरा है घाना, तीसरा है नाइजीरिया, उसके बाद है सेनेगल, फिर है सूडान, फिर है दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद है तंजानिया, नाम्बिया, उसके बाद है युगांडा और नाइजीर, जाम्बिया, उसके बाद रवांडा, कांगो और मेडागास्कर, ये देश आते हैं इन 16 देशों के बीच में। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, और AFI इंडेक्स की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है अफ्रीका इंडिया ज्वाइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास समृद्धि 2019 का समापन कहाँ हुआ है? तो इस इंडेक्सिंग, इस अभ्यास का जो समापन है ये हाल ही में तागेल में इसका समापन हुआ है। तागेल कहाँ पर है? तो ये बांग्लादेश में तागेल। और ये जो युद्ध अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया और 2019 में इसका ना 8वां संस्करण था। और इस युद्ध अभ्यास को पहली बार कब ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसको पहली बार 2009 में ऑर्गेनाइज किया गया था। बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका और प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बजाज फिनसर्व के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया? तो बजाज फिनसर्व के दो चेयरमैन के पद से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया उनका नाम है राहुल बजाज। ये जो आपको पिक्चर में दिखा रही है ये है राहुल बजाज। और इनके इस्तीफा देने के बाद बजाज फिनसर्व बैंक के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो उनका नाम है नानू पमनानी को बनाया गया है वाइस चेयरमैन ऑफ बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व के बारे में नोट करेंगे, देखिए बजाज फिनसर्व का जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है, उसके जो फाउंडर है उनका नाम है जमनालाल बजाज और जो इसके MD और CEO है उनका नाम है संजीव बजाज। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि किस राज्य में सबरीमाला का वार्षिक उत्सव शुरू किया गया है? तो सबरीमाला का जो वार्षिक उत्सव है ये हाल ही में केरल में शुरू किया गया। इसे केरल के अंदर कहाँ? तो केरल के अंदर एक सबरीमाला मंदिर है ना, वहां पर इसे 10 दिनों तक उत्सव को चलाया जाएगा। और क्योंकि इस उत्सव को सबरीमाला मंदिर में ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि केरल के अंदर, इसलिए इस उत्सव का नाम रखा गया सबरीमाला वार्षिक उत्सव। केरल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर केरल इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन और जो गवर्नर है वो है पालानी स्वामी सत्यशिवम। और केरल के अंदर लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की सीटें 9, विधानसभा की सीटें 140। जो फोक डांस है वो है चख्या कोथू और जो नेशनल पार्क है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस बैंक ने 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? तो उस बैंक का नाम है SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक हैं और जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं उनके लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है। SBI के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म बता चुकी हूँ मैं आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो मुंबई में है। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और SBI की स्थापना कब हुई है? तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई है। और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है रजनीश कुमार और जो टैगलाइन है इसकी वो है विद यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स द नेशंस बैंक ऑन अस, ठीक है, याद रखनी है टैगलाइन। अगला क्वेश्चन, 9वीं भारत अमेरिका सामरिक सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो सामरिक सुरक्षा वार्ता है ये वाशिंगटन में ऑर्गेनाइज की गई है, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन। और इसमें हमारे भारत की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया? तो हमारे जो विदेश सचिव हैं जिनका नाम है विजय गोखले, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अमेरिका के बारे में बताती हूँ, अमेरिका की कैपिटल बता चुकी हूँ आपको वाशिंगटन है, उसकी करेंसी है US डॉलर और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत के द्वारा किस देश के 200 मेधावी छात्रों को यानी कि 200 इंटेलिजेंट बच्चों को गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया है? तो देश का नाम है नेपाल। हाल ही में नेपाल में जो हमारे भारत के राजदूत है जिनका नाम है मंजीव सिंह पुरी, उन्होंने नेपाल के 200 मेधावी छात्रों को गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये जो गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप योजना थी ये नेपाल में कब शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा? तो 2002 में शुरू की गई थी। नेपाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर है नेपाल, इसकी कैपिटल काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी और जो प्रेजिडेंट है विद्यादेव भंडारी है वो, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है खड्गा प्रसाद ओली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि किस देश ने स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में 50 पेंस का सिक्का जारी किया है? तो उस देश का नाम है ब्रिटेन यानी कि UK, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में ये जो पिक्चर में दिखा रही है स्टीफन हॉकिंस इनके सम्मान में 50 पेंस का नया सिक्का जारी किया है। इस सिक्के का नाम क्या है? तो नाम है ब्लैक होल कॉइन, ठीक है।
स्टीफन हॉपकिंस कौन थे ये आप लोगों को पता ही होगा, या फिर नहीं पता तो रिपीट कर देते हैं। जो स्टीफन हॉपकिंस थे ना, ये यूनाइटेड किंगडम के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और इस सिक्के पर स्टीफन हॉपकिंस की नाम लिखा गया होगा, और दूसरी तरफ स्टीफन हॉपकिंस का जो सिद्धांत था ब्लैक होल, उसका चित्र बना होगा। यूके के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन, इसकी कैपिटल लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और जो प्राइम मिनिस्टर है वो थेरेसा मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सर सूचकांक में रहने योग्य सबसे उपयुक्त शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो शहर का नाम है वियना। वियना कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है, पहले स्थान पर है। देखिए ये जो इंडेक्सिंग है ना, इसमें टोटल 231 देश शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें वियना को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर है ज्यूरिच जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर, और तीसरे स्थान पर है ऑकलैंड। हमारे भारत के भी दो शहर इसमें शामिल हैं, हैदराबाद और पुणे, जिसे 143rd रैंक मिला है इस इंडेक्सिंग में। ऑस्ट्रिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि वियना ऑस्ट्रिया में है ना, यहाँ पर ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वैन डर बेलन। आज का जो आखिरी क्वेश्चन होगा आपका ये है कि हाल ही में किसने एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय मंडल युवा पुरस्कार जीते हैं? तो उनका नाम है पद्मनाभन गोपालन। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई रही है पद्मनाभन गोपालन, जिन्होंने हाल ही में एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय मंडल युवा पुरस्कार जीते हैं। ये कौन है? तो पद्मनाभन गोपालन ये तमिलनाडु के एक सामाजिक उद्यमी है, और इन्होंने एक नॉन फूड वेस्टेज की स्थापना भी की थी। और इन्हें ये जो अवार्ड है ये कहाँ दिया गया? तो इन्हें ये अवार्ड लंदन में दिया गया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पद्मनाभन गोपालन जी के बारे में नोट करनी थी। और ये थे आपके 16 मार्च के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, तो आज का आपका टेस्ट है, हाल ही में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 कहाँ आयोजित किया गया? इन चार ऑप्शन में से बताना उस देश का नाम। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप को कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े हमारे साथ। थैंक यू।